चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिवेंचर एंड फीचर ऑफ डिबेंचर मतलब ऋण पत्र का अर्थ और ऋण पत्र की विशेषताएं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं ऋण पत्र दीर्घकालीन अथवा स्थायी पूंजी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है मतलब ये कि डिवेंचर के माध्यम से हम स्थायी पूंजी या दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त कर सकते हैं अंग्रेजी के डिबेंचर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डिबेरी से हुई है जिसका अर्थ उधार लेना है समान शब्दों में पत्र से हमारा आशय उस प्रपत्र से है जो ऋण का निर्माण करता है ऋण पत्रों पर एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज दे होता है जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो जो व्यक्ति डिबेंचर खरीदता है उसको कंपनी एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज देती है चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो वे एक विशिष्ट अवधि के बाद शोधनीय होते हैं विशिष्ट अवधि का मतलब जब डिवेंचर इश्यू करती है तो उसकी टाइम पीरियड होती है पांच साल दस साल उसके बाद उनका रिडम्शन मतलब उनका पेमेंट कर दिया जाता है इंटरेस्ट इस प्रकार पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार मुद्रा द्वारा निर्गमित किया गया एक प्रलेख या प्रमाण पत्र है जिसमें एक निर्धारित समय पर मूलधन के भुगतान के लिए और एक निश्चित तिथि पर ब्याज के भुगतान के लिए उल्लेख रहता है मतलब यह कि जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है अ टाइम पीरियड भी होता है कि कितने समय बाद उसका रिडमशन करना है और ब्याज या तो मूलधन के साथ एक साथ वापस किया जा सकता है या तो जो करना है या जैसे ब्याज का पेमेंट करना है ये सारी चीजें उस पर लिखी होती हैं कि क्वार्टरली करना है कि एनुअली करना है चलिए अब इसकी कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं पहला जस्टिस चीफी के अनुसार ऋण पत्र एक प्रपत्र है जिसमें ब्याज और पूंजी की वापसी की शर्तें होती हैं और जो ऋण निर्माण करता है अथवा स्वीकार करता है सेकंड है फॉर्म के अनुसार ऋण पत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा धारक द्वारा प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है और सामान्यता एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है थर्ड देखते हैं हम लोग भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा दो उपधारा 30 के अनुसार ऋण पत्रों में स्कंद बॉन्ड तथा एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं चाहे ये कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार के रूप में हो या न हो यह था ऋण पत्र की परिभाषाएं अब चलिए इसकी विशेषताओं पर नजर डालते हैं हम पहला पत्र कंपनी द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋण का एक प्रलेख है या प्रमाण पत्र है दूसरा पॉइंट यह एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए लिए गए ऋण की स्वीकृति है तीसरा इसमें एक निश्चित ब्याज दर होती है मतलब यहां पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है कि उसी रेट से इनको इंटरेस्ट देना है चौथा पॉइंट इसमें निश्चित समय अंतराल के बाद नियमित रूप से ब्याज के भुगतान की प्रतिज्ञा होती है जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जब डिवेंचर कंपनी इश्यू करती है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और मेच्योरिटी डेट भी होता है मतलब कब उसका रिडम्पशन करना है और ब्याज भी डिसाइडेड होता है कि कब उसका एक पेमेंट करना है तो उसी के हिसाब से कंपनी ऋण पत्रधारी को उसका ब्याज देते जाती है पांचवां पॉइंट एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्र की रकम को वापस करना होता है मतलब टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उनका पैसा वापस कर दिया जाता है रक्षित या अरक्षित हो सकता है मतलब सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो सकता है सातवां पॉइंट इसके धारक को मत देने का अधिकार नहीं होता है इसलिए नहीं अधिकार होता क्योंकि ये कंपनी के लिए लेनदार होते हैं क्रेडिटर होते हैं ये ओनर नहीं होते हैं इसलिए इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है आठवां पॉइंट रक्षित ऋण पत्र में बॉन्ड का स्थायी प्रभार या चल प्रभार हो सकता है यह था डिवेंचर की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे धन्यवाद आपका समय सुबह